हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने एक ही क्लास पढ़ा था, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था। तो मैं क्लास टेंथ का जो साइंस में जो टॉपिक था उसका मैं इंट्रोडक्शन दिया था कि जो टेंथ में साइंस में कौन क्या कितने नंबर का आता है। केमिस्ट्री में हमने तुम लोगों को कुछ बातें बताई थी, ठीक है। अब ये सेकंड क्लास है। कल हमने तुम लोगों को बताया था कि हमारा जो सिलेबस है 30% जो कोविड-19 की वजह से लेस कर दिया गया है, वो बता दिया था कौन से लेस कर दिया गया है। जो 70% हमें पढ़ना है वो हमने तुम लोगों को बता दिया था कि कितना हम लोगों को पढ़ना है, वो हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हमने बताया था अम्ल क्षार और लवण का है। पहला चैप्टर कौन सा बेटा? जो टॉपिक फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट कौन सा है? अम्ल क्षार एंड लवण। पहला चैप्टर नाम कौन सा है? अम्ल क्षार और लवण है। तो देखो बेटा, अम्ल क्षार और जो लवण है इसमें कई सारी बातें हुआ करती हैं, ठीक है। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा देखो, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बता रहा है। देखो, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत होगी, जो हमें बताना होगा तुम लोगों को बता देंगे, तो अपना लर्न करते रहना। ये पहला चैप्टर है तो तुम लोग पहला चैप्टर ये डाल देना और क्या है ये फेयर में अपना करते रहना। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल क्षार और लवण। तो अगर अम्ल और क्षार लवण है तो पहले थोड़ा हम पहले चलते हैं, क्योंकि हमने मैप बनाया नहीं है। इसमें अगर मैप बनाते तो और समझ जाते तुम लोग कि कौन कौन से हमारे इसमें टॉपिक है। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें ये पूरा बता रहे हैं कि कैसे क्या कौन कितना क्या पढ़ना है। पहले बात करते हैं अम्ल की, राइट। बात करते हैं अम्ल और क्षार कह सकते हो, अम्ल और क्षार की बात करते हैं। देखो, इसके पहले तुम्हें थोड़ा बता दें कि जो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, हमने बताया था तुम लोगों को जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवासिए जी हैं, और फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो न्यूटन जी हैं, ठीक है। लेवासिए हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। अब बात करते हैं बेटा और की जो केमिस्ट्री है केमिका शब्द से बना हो, ठीक है। तो ये पूरा इसकी थोड़ा हिस्ट्री अगर जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, और बाकी नाइन्थ में भी तुम लोगों को बता दिया गया था कि केमिस्ट्री में स्टार्ट हमारा परमाणु से होता है। तो थोड़ा अगर बात करें कि जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बात करते हैं अगर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग उसका क्या है? परमाणु से। क्योंकि अगर हिंदी अगर हम लोगों को अगर पढ़ना है तो हमें ककारा का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग हिंदी पढ़ पाएंगे। अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है तो ABCD या कह सकते हो वावल और हमारे जो कंसोनेंट है इनका क्या है, इनका नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी हम लोग क्या है ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें थोड़ा परमाणुओं का ज्ञान होना चाहिए, जो तुम लोग नाइन्थ में पढ़े हुए थे। परमाणु के विषय में हमने तुम लोगों को बताया ही था कि जो सबसे छोटा होता है वो परमाणु होता है, लेकिन परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये किसी न किसी के साथ ही रहेगा, ठीक है। मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जा सकता है। परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है बेटा? अणु बनता है। परमाणु से मिलकर क्या? अणु बनता है। अणु से मिलकर पदार्थ बना करता है, और पदार्थ से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे अगर हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बनता है, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र से हमारे जीव का निर्माण, ठीक है। जस्ट लाइक तुम्हारा क्या होता है, किसी भी जो हमारे एनर्जी है उसमें सबसे पहले छोटा परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर पदार्थ बनते हैं, पदार्थ से मिलकर यौगिक का निर्माण हुआ करता है। बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये टोटल सभी परमाणु हैं। अभी तक 118 परमाणु ज्ञात किए जा चुके हैं। अभी तक कितने ज्ञात किए जा चुके हैं? 118। जो सबसे छोटा परमाणु है इनमें कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार कितना, वो भी 1, ठीक है। ये तुम लोगों को बताया था हमने। बात करते हैं अब अणु क्या होता है, जिसे ये परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु होंगे,
जैसे एच टू हो जाए तो आप एच टू को क्या कहोगे? हाइड्रोजन अणु कहोगे। अगर एच केवल है तो केवल हाइड्रोजन परमाणु कहोगे। अगर जैसे ओ टू आ जाए तो ऑक्सीजन अणु है न कि परमाणु, ऑक्सीजन क्या है? अणु है। ठीक है, एन टू आ जाए तो नाइट्रोजन अणु है। बात समझ रहे हो ना? जब दो या दो से अधिक आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु से मिलकर पदार्थ बन जाता है। जैसे एक एच टू आ गया, एक ओ आ गया, तो यह क्या बनेगा? एच टू ओ हमारा एक पदार्थ हो गया। जब कई सारे एच टू ओ हो गए तो ये जल के यौगिक हो गए। तो इस तरीके हमारे हुआ करते हैं। तो बात समझ गए, नहीं समझ गए? जनरल नॉलेज था तो मैं ये बता दिया हमने। ठीक है, बात करते हैं अगर तो केमिस्ट्री में, अगर जो हमारे टॉपिक होंगे, कुछ पदार्थ हमारे अम्ल होंगे, कुछ पदार्थ जैसे 118 तत्व हैं, 118 परमाणु को तत्व भी कहते हैं। ठीक है, 118 जो तत्व हैं, तो 118 तत्व जब ये बनाएंगे, कोई ना कोई यौगिक का निर्माण होगा। जब ये यौगिक कुछ बनाएंगे बेटा, तो यौगिक हुआ तो अम्ली होगा, या तो क्षारी होगा, या तो लवण होगा। ठीक है, या तो जो हमारा उदासीन होता है ना, यही वाला, तो कह सकते हो अम्ली होगा, क्षारी होगा, लवण होगा। इस तरीके से केमिस्ट्री में अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परमाणु हैं या पदार्थ हैं उनको अलग अलग प्रकार से बताया है। फिजिक्स में आओगे तो वहाँ कुछ कह दिया जाता है। अगर करंट के हिसाब से कहेंगे तो वो कह देते हैं कि सुचालक होते हैं कुछ पदार्थ, कुछ कुचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं, यह बता दिया जाता है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैग्नेटिक में जाओगे तो आप बता दिए जाते हैं कुछ पदार्थ हमारे अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ लौह चुंबकीय होते हैं, कुछ कृत चुंबकीय होते हैं, ऐसे बता दिया जाता है। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री में बेटा आते हैं तो केमिस्ट्री में तुम्हारा बताया जाता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस होते हैं, ये बता दिया जाता है कि हमारे कुछ ठोस पदार्थ होंगे, कुछ द्रव पदार्थ होंगे और कुछ गैसीय अवस्था में होंगे। मतलब पदार्थों की तीन अवस्थाएं बता दी जाती हैं, लेकिन होती पांच हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? पांच अवस्था बेटा होती है। पांचवी अवस्था में तुम्हें बताया था, जैसे पांचवी अवस्था, जैसे पहली ठोस हो गई, दूसरी द्रव हो गई, तीसरी गैस अवस्था हो गई, जो चौथी अवस्था होती है कौन सी? प्लाज्मा स्टेट होती है, और जो पांचवी अवस्था होती है आइंस्टीन बोस अवस्था होती है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं हैं, ये सब खोजी जा रही है। कुछ एक अभी बताया गया है कि कार्बन में भी एक छठी अवस्था मिल रही है, तो हो सकता है कि छठी अवस्था भी आ जाए। तो अभी फिलहाल पांच अवस्थाएं, लेकिन जर्नल अगर हम बात करेंगे तो तीन की बात करेंगे, ठोस द्रव गैस। तो ये पदार्थ, ये केमिस्ट्री में ये भी बता दिया जाता है कि जो हमारे ठोस होते हैं, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, कह दिया जाएगा कि ठोस किन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जिनका क्या है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उन्हें द्रव कहते हैं। गैस किसे कहते हैं? जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? गैस। बात समझ गए? द्रव में हमारा उसका जो आकार होगा अनिश्चित होगा, कोई भी आकार दिया जा सकता है लेकिन आयतन निश्चित होगा। ठीक है, ये तुम लोगों को नाइन्थ में भी बताया था हमने। तो इतना हम लोगों ने ठोस द्रव गैस के विषय पढ़ लिया। आप बात करते हैं जब केमिस्ट्री में थोड़ा आते हैं तो यहीं पर तुम्हें वैद्युत अपघट्य बताया जाता है। क्या बताया जाता है? वैद्युत अपघट्य। ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कराई जा सके। मतलब वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा, ये थोड़ा सुन लो, थोड़ा एक जनरल मतलब इन्फॉर्मेशन है, अगर वो नहीं आएगा तो यहाँ थोड़ा हमें बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर ये बताना है तो थोड़ा बेसिक में बता रहा है। ठीक है, वो हटा दिए गए हैं आई नो, बट तुम्हें ये तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम बता रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि तुम लिखो, केवल समझ लो कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा भेजने पर वो अपने आयनों में टूट जाए उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और उनकी इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन माने होता है आयनों के टूटने की क्रिया, और अपघट्य का मतलब होता है पदार्थ। जैसे HCl है, HCl में अगर करंट भेजोगे तो H प्लस आयन में अलग टूट जाएगा, Cl माइनस आयन में अलग टूट जाएगा। ये आयन है, आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और अथवा ऋण आयन। पढ़ते लेकिन आयन है, जैसे H प्लस है तो हाइड्रोजन आयन, Cl माइनस है तो क्लोरीन आयन, ये नहीं है क्लोरीन आयन। ठीक है, होता विषय है। ठीक है, तो
देखो वैद्युत धारा जब हमने भेजा तो अपने आयनों में टूट गया, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाई? वैद्युत अपघटन कहलाई। और ये पदार्थ कौन सा कहलाया? वैद्युत अपघट कहलाया। तो वैद्युत अपघट कौन कौन से हुआ करते हैं बेटा? वैद्युत अपघट मीन्स पदार्थ। वैद्युत अपघट होते हैं हमारे क्या? अम्ल है जैसे, अम्ल हमारे वैद्युत अपघट होते हैं। क्षार है जैसे, क्षार भी वैद्युत अपघट होते हैं। लवण है जैसे, लवण भी वैद्युत अपघट होते हैं। मतलब ये पूरा चैप्टर है वैद्युत अपघट, ये चैप्टर ही क्या है? वैद्युत अपघट है। जैसे वैद्युत अपघट की थोड़ा विशेषताएं भी बेटा हुआ करती हैं। कुछ हमारे वैद्युत अपघट प्रबल वैद्युत अपघट होते हैं, कुछ दुर्बल वैद्युत अपघट होते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट किसे कहते हैं? ऐसे वैद्युत अपघट जिसमें आयन वैद्युत धारा भेजने पर वो कम आयनों में टूटते हैं, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट कहते हैं। जो अधिक आयनों में टूटते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट कहते हैं। तो बात समझ गए ना? एक दुर्बल होगा वैद्युत अपघट, एक प्रबल होगा। प्रबल मीन्स जो ज्यादा आयनों में टूटे, दुर्बल मीन्स जब वैद्युत धारा भेजा जाएगा तो कम आयनों में टूटेगा, तो उन्हें क्या कहेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट कहेंगे। ठीक है, तो ये वैद्युत अपघट की बात थी। वैद्युत अपघट को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं कि सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो वैद्युत अपघट अच्छा होगा। ठीक है, ताप अगर करंट भेजोगे या उसे टेम्परेचर दोगे तब भी कुछ मतलब अधिक होगा, तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये हमारा बेस था। अब स्टार्ट होगा क्या? हमारा अम्ल, क्षार, लवण। अब बात करते हैं अम्ल किसे कहते हैं। हैडिंग डालोगे अम्ल। अब देखो अम्ल क्षार की परिभाषाएं, हैडिंग डालोगे क्या? अम्ल क्षार की परिभाषाएं। तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जो हमारी डेफिनेशन है, तीन वैज्ञानिकों ने उसे अलग अलग बताया है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। ठीक है, ये बताया है। तो पहले हेडिंग लिख लो क्या? अम्ल क्षार की परिभाषाएं। अम्ल क्षार की परिभाषा में लिखोगे बेटा पहले किसके अनुसार? आर्किनियस के अनुसार। पहले किसके अनुसार लिखोगे बेटा? आर्किनियस के अनुसार। ये लिख देना कि आर्किनियस। ठीक है ना? तो लिखोगे बेटा किसके अनुसार? आर्किनियस के अनुसार। देखो आर्किनियस के अनुसार क्या है आपने छाट की परिभाषा? तो पहले आज तो मैं केवल कितना बता देना है, आर्किनियस के अनुसार। आर्किनियस ने क्या बताया कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस। तो देखो, तो आप हेडिंग लिखोगे अम्ल। आर्किनियस के अनुसार देखो पहला क्या बता रहे, अम्ल मतलब अम्ल हमारे पदार्थ। पहली बात वैद्युत अपघट है। ठीक है, तो बताओगे ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ मतलब जो हमारे अम्ल होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में यस प्लस आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। बात समझ गए? और जो ओएच माइनस आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल की परिभाषा याद हुई? मतलब ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, लैंग्वेज लिख लेना पॉज करके, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में यस प्लस आयन देते हैं, इस तरीके यस प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेना क्या, सीएल। सीएल अगर तोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? यस प्लस अलग चला जाएगा, सीएल माइनस अलग चला जाएगा। यस प्लस आया मतलब ये क्या है, अम्ल है। तो यस सीएल हो गया, यस टू यस ओ फोर हो गया। ठीक है, और क्या हमारा यस सीएल आ गया है ना, एच टू एस ओ फोर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एच एन ओ थ्री, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ई टी सी, एग्जाम्पल लेंगे ना तीनों। ठीक है, अब बात करते हैं क्षार की। अब कहे की बात करते हैं क्षार, हेडिंग लिखोगे क्षार, लैंग्वेज लिखोगे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में ओ एच माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये क्या देगा? ओ एच माइनस आयन देगा। एग्जाम्पल लिखोगे बेटा क्या, एन एच फोर ओ एच। ठीक है।